हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैसे हम अपना कोड क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो कोड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि हम अच्छा रीडेबल कोड लिखें, एक सर का स्ट्रक्चर फॉलो करें और हम लोग किसी तरीके से मेक श्योर करें कि हमारा कोड सेम रहे। और उसके लिए हम लोग, अगर आप जब PR रेस करते हैं तो काफ़ी सारे अननेसेसरी कमेंट्स वहाँ पर होते हैं जो प्रोबेबली एक तरीके से ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये टूल यूज़ करके इस तरह के कॉमन प्रॉब्लम्स जो हम लोग फेस करते थे कोड क्वालिटी के लिए, वो हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ESLint, Prettier और TypeScript यूज़ करके हम लोग मेक श्योर करेंगे कि हमारा कोड क्वालिटी जितना ऑटोमेट हो सकता है हम लोग वो कर पाए। ऑफकोर्स यहाँ पर आप कौन सा डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, इस तरह के काफ़ी एडवांस चीज़ आप यहाँ नहीं कर सकते, पर जो छोटी मोटी सी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेमीकोलन आपको यूज़ करना चाहिए नहीं यूज़ करना चाहिए, इस तरह के जो डिसीजंस होते हैं, आपको दो टैब पसंद है या चार टैब पसंद है, यू नो, इस तरह के बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं जिनको आप इजीली ऑटोमेट कर सकते हैं। और ये तीन टूल आप ऐसे आपके सामने देख रहे हैं, ESLint, Prettier और TypeScript, जिसे यूज़ करके हम लोग इजीली ये कर लेंगे। अगर समझो ये स्ट्रक्चर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप बिना स्ट्रक्चर फॉलो करे भी कमिट कर सकते हैं, पर हम लोग यहाँ पर प्री कमिट हुक्स ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा कि अगर कोई बंदा फॉलो नहीं कर रहा है तो वो कमिट कर ही नहीं पाएगा, ना ही वो पुश कर पाएगा। सो ये काफ़ी ऐसे हस्की और लिस्ट इस तरह के टूल होते हैं जिन्हें यूज़ करके हम लोग इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली आप अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है तो उसका कमिट होगा ही, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। और पर यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर जो है हम लोग बेसिकली ये तीन टूल यूज़ करके करेंगे, पर वो जो प्री कमिट हुक्स है वो हम लोग हस्की और इंस्टेज पैकेज है उसका इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग चले शुरू करते हैं सबसे पहले ESLint के बारे में और जानते हैं हम लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। और सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ESLint के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं फाइंड एरर्स इन कोड। तो बेसिकली यहाँ पर यह है कि कुछ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नॉर्मली एरर्स होते हैं जो हम लोग डायरेक्टली अपने एडिटर में ही पकड़ सकते हैं, ना कि हम लोग किसी और को रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए या फिर हम लोगों को ब्राउज़र पर जाके पता नहीं होना, अच्छा ये कोड हमने गलत लिखा था। पर ऐसा कई बार ऐसा हो सकता है कि ESLint हमें अपने एडिटर में बता सकता है कि ओके ये कोड प्रॉपर नहीं। तो इस वीडियो में हम लोग ESLint को एक्सप्लोर करेंगे। और सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एडिटर में, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर फिलहाल कुछ भी नहीं है। ओके सो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर npm init डैश वाई रन करता हूँ, जिससे एक एम्प्टी पैकेज जेसन फाइल बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले npm install ESLint करता हूँ, जिससे हमारा ESLint पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। और डैश डैश सेव मैं यहाँ पर डेव करता हूँ, जिसे बेसिकली एज अ डेव डिपेंडेंसी वो इंस्टॉल हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों को इसे डेवलपमेंट डिपेंडेंसी रखना है, प्रोडक्शन में नहीं चाहिए। और अब यहाँ देख सकते हैं कि अब वो इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल सा एक फाइल बनाता हूँ, एक जावास्क्रिप्ट फाइल, जिसका नाम होगा यहाँ पर index.js। ओके तो अभी यहाँ पर लेट्स से कि अब यहाँ पर मैं कुछ एक जावास्क्रिप्ट कोड लिख देता हूँ, जैसे कि वेरिएबल एज इक्वल टू यहाँ पर 29। ओके यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, से हेलो, ओके, जो बेसिकली रिटर्न करेगा हेलो, राइट। सो ये हम लोगों को बेसिकली देखना है, ये हम लोग ने वेरिएबल बना ही यहाँ पर है फंक्शन। ओके सो अब ये छोटा कोड है, हम लोगों को बेसिकली वेरीफाई करना है कि प्रॉपर है या नहीं। तो इसके लिए ऑफकोर्स हम लोगों ने ESLint को यहाँ पर इंस्टॉल किया है। ओके आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ओके सो अभी इसको यहाँ पर रन करने के लिए मैं यहाँ पर एक लिंट स्क्रिप्ट बनाता हूँ, उसका नाम मैं लिंट दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं वो कमांड रन करूँगा। तो यहाँ पर जितने भी इसको रिमूव करके यहाँ पर सिंपली मैं ESLint यहाँ पर मैं डॉट देता हूँ। आप यहाँ पर फाइल का नाम दे सकते हैं जैसे index.js, पर मैं यहाँ पर सारे फाइल्स को लिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली मैं डॉट देता हूँ, इसका मतलब सारे मुझे यहाँ पर डिटेक्ट करना। ओके तो यहाँ पर अब मैं वो स्क्रिप्ट को रन करता हूँ जो हमने अभी बनाया है, npm रन लिंट, राइट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर अब एक एरर होगा, वो कह रहा है कि यहाँ पर हम लोग उसको स्क्रिप्ट नहीं मिला है। आप देखेंगे मिसिंग कॉन्फ़िगरेशन के आधार में, तो बस हाँ ESLint couldn't find a configuration file। सो बेसिकली ESLint को हमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल देना होता है, जिससे ESLint को पता चलता है कि किस तरह के रूल्स हमें अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा ESLint, ओके ESLint RC, आप ये नाम दे दे या फिर .json नाम दे दे या .json इस तरह। ओके तो मैं .js दे देता हूँ। ओके और यहाँ पर मैं फिलहाल दूंगा module.exports और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट। तो ये फिलहाल जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिटर्न हो रहा है ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है। ओके सो जो अभी यहाँ पर आप रिटर्न करोगे एज एन ऑब्जेक्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। और यहाँ पर मैं रूल्स करके की बना देता हूँ और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट,
जिसमें मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूँगा कि आपको जो भी रूल आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, कि जैसे फॉर एग्जांपल सेमी कॉलन। ओके, तो सेमी कॉलन का एग्जांपल लेते हैं और हम लोग एज ए टीम डिसाइड किए कि हम सेमी कॉलन नहीं यूज़ करें। तो अभी उसका हम लोग बेसिकली कॉन्फिग्रेशन यहाँ कैसे करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेमी और यहाँ पर एक एरे होगा। एरे में मुझे स्पेसिफाई करना है कि अगर कोई बंदा यूज़ करे या नहीं करे तो हमें क्या प्रिंट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें उसको सिर्फ वार्न करना है या उसका एरर दिखाना है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल एरर इस तरीके से लिखता हूँ, बिकॉज ऑफ एरर के तौर पर मुझे ट्रीट करना है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेवर। तो ये बेसिकली प्री डिफाइंड ऑप्शन है, मैं यहाँ पर वार्न दे सकता हूँ या ऑफ दे सकता हूँ, और यहाँ पर मैं नेवर या ऑलवेज लिख सकता हूँ। तो इस तरह का आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखना पड़ेगा, ये कोई इस तरीके से आपको डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, और डॉक्यूमेंटेशन में जाके तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरह के ये इंडिविजुअल रूल्स को आपको किस तरीके से कॉन्फिगर करना है। तो समय कॉलन में यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एरर है और मैं उसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहता। ओके, सो अब यहाँ पर npm रन हम लोग लिंट करते हैं, बिकॉज हमने अभी कॉन्फिगरेशन फाइल बना दी है। तो अभी सिंपली यहाँ पर उसको रन करते हैं, npm रन लिंट, और आप यह देख सकते हैं किसी भी तरह का एरर यहाँ पर नहीं है। और वो इस वजह से नहीं है बिकॉज हमने आप हमारे कोड में सेमी कॉलन यूज़ ही नहीं किया, इस वजह से वो वैसे ही है जैसे बेसिकली हमारा जैसे हमको चाहिए था। मैं इसको थोड़ा सा तो सेव करके यहाँ पर एक सेमी कॉलन इधर ऐड कर देता हूँ। ओके, और मैं सेव करता हूँ और फिर मैं वापस इस स्क्रिप्ट को यहाँ रन करूँगा। आप यह देख सकते हैं कि आप यहाँ पर वो एरर बता रहा है, और वो एरर ये है कि यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर बता रहा है कि एक्स्ट्रा सेमी कॉलन उसे मिला है इंडेक्स और जेएस फाइल के अंदर लाइन नंबर 1 है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे। तो इस तरीके से आप जो है अपने देख सकते हैं, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर ऑलवेज देखूँगा, ओके, और मैं इसको सेव करके मैं फिर से यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आप वो उल्टा एरर बता रहे हैं, मिसिंग सेमी कॉलन। अब ये बोल रहा है कि सेमी कॉलन यहाँ पर होना चाहिए था, बिकॉज हम लोग ने बोला है कि सेमी कॉलन एक एरर है और हमेशा होनी चाहिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि लाइन नंबर फोर पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक्सपेक्ट करें वो सेमी कॉलन होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको अभी सेव कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पर फिर मैं रन कर दूंगा। और सब यहाँ पर फिर वो एरर बता रहे हैं, और एरर यहाँ पर ये यह है कि बेसिकली अब वो यहाँ पर एरर जो बता रहा है ESLint.RC, मतलब अब ये अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल को भी यहाँ पर वो लिंट कर रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज वो खुद की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं .ESLint_IGNORE फाइल बनाता हूँ, जिसमें आपको स्पेसिफाई करना है कौन से फाइल आपको लिंट नहीं करना है। ठीक है, आप यहाँ फोल्डर या फाइल का लिंक दे सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर फाइल ESLint.RC.JZ, बिकॉज मैं चाहता नहीं हूँ कि इस फाइल को मुझे यहाँ पर लिंट नहीं करना। ओके, तो मैं इसको अभी यहाँ पर आके सेव करता हूँ, और यहाँ पर आके अभी इसको रन करेंगे। अभी आपको कोई भी एरर यहाँ नहीं दिखा, आप ये देख सकते हैं कि हमें कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया। ठीक, और सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप ईच इंडिविजुअल रूल्स को हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा राइट यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बिकॉज आप कितना रूल्स यहाँ पर दोगे, किस तरह का उसको कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है, सो आप ईच इंडिविजुअल रूल्स को अगर कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पर अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ को अगर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे तो इससे काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी अभी, बिकॉज ये बहुत ही जेनरिक चीज़ है। आई एम श्योर मल्टीपल प्रोजेक्ट में भी ये लगा होगा। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें ईच इंडिविजुअल रूल्स को हमें देना नहीं पड़े। तो यहाँ पर आप इसको कॉन्फ़िग को इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि रूल्स कॉन्फ़िग और प्लगइन होता है, रूल्स आपने देख लिए कैसे वर्क करता है। सो कॉन्फ़िग आप देख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ रूल्स, आप उसको कॉन्फ़िग के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लगइन भी है, प्लगइन के बारे में मैं आगे बात करूँगा, पर फिलहाल आप समझ लीजिए कि कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इज़ नथिंग बट कलेक्शन ऑफ रूल्स। ठीक, सो अभी यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर मुझे कॉन्फ़िगरेशन इज़ एक्सटेंड्स करके यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहाँ पर एरे में मुझे यहाँ पर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मुझे दे सकता हूँ। सबसे नो बहुत ही ऑब्वियस है वो ESLint, और यहाँ पर होता है रिकमेंडेड। ओके, सो ये बहुत ही कॉमन सा ESLint रूल है जो मैं यहाँ पर अभी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और सो अब यहाँ पर इतना इतना ही देने की आपको ज़रूरत है, इसमें काफ़ी सारे ESLint के कॉन्फ़िगरेशन हमें ऑलरेडी मिल जाएंगे। अभी सिंपली मैं इसको फिर से रन करता हूँ, इसमें npm run lint, राइट, इसने यहाँ पर कुछ एरर्स डिटेक्ट किए हैं।
और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे एरर्स इसने डिटेक्ट किए, जैसे कि एज इज़ असाइंड बट वैल्यू इज़ नेवर यूज, से हेलो इज़ डिफाइंड बट इज़ नेवर यूज। आप यहाँ देख सकते हैं इसका हमने रूल यहाँ पर मेंशन नहीं किया था कि अगर अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल या फंक्शन आपने डिफाइन किया है और उसको आप कहीं यूज़ नहीं करो, वो हमने यहाँ पर रूल नहीं दिया। वो बेसिकली इस एक्सटेंड जब हमने किया इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, इसमें वो सारे रूल्स हमारे पास आ गए। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर चल राइट। सो यहाँ भी चलो यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी वेरिएबल और फंक्शन यूज़ किए। आज चलो हम लोग थोड़ा ES6 यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं इम्पोर्ट करूँगा, इम्पोर्ट लेट्स से कि यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ जिसका मैं नाम याद दे देता हूँ test.js, और यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फू या बारिश तरीके से एक वेरिएबल यहाँ पर बना देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं फू फ्रॉम टेस्ट। ओके, तो इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर अभी फिर ESLint को यहाँ पर रन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि अब यहाँ पर एरर फिर से आ रहा है, और एरर बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि पार्सिंग एरर, कीवर्ड एक्सपोर्ट इज़ रिजर्व्ड, कीवर्ड इंपोर्ट इज रिजर्व्ड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब ये ES6 और ES5 को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, सिर्फ सारी ES5 को डिटेक्ट कर पा रहा है, ES6 अगर आप कोई कोड लिखेंगे तो ये डिटेक्ट यहाँ पर नहीं कर पा रहा। तो हम लोग यहाँ पर कैसे मेक श्योर करें कि ES6 को अभी यहाँ पर ये डिटेक्ट कर लें, उसके लिए यहाँ पर हम लोगों को एक पार्सर ऑप्शन करके यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। पार्सर ओके, और यहाँ पर आपको मैं स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वर्जन आपको सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं रहता हूँ एक्मा वर्जन, मैं यहाँ पर 6 दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं, और यहाँ पर हम लोगों को सोर्स टाइप देना पड़ेगा। सोर्स टाइप में हम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा किस तरह के हम लोग मॉड्यूल चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे मॉड्यूल देना, यहाँ पर मॉड्यूल या स्क्रिप्ट दे सकते हैं। स्क्रिप्ट माने पहले जिस तरीके से हम स्क्रिप्ट दे देते हैं वो, पर यहाँ पर मॉड्यूल देते हैं बिकॉज वही हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, सो बस इतना ही ऑप्शन देने के बाद अभी यहाँ पर फिर से ऑलराइट। सो अभी यहाँ पर बेसिकली सेव करने के बाद यहाँ पर क्लियर करके फिर से npm run lint रन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एरर आया है, इसका मतलब कि आप क्या देख सकते हैं जो एरर एक्सपेक्टेड है, और आप यहाँ देखेंगे कि हम लोग जो बाकी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट वाले जो एरर्स है वो यहाँ पर अभी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्पेसिफाई करें पार्सर ऑप्शन में किस तरह के ECMAScript वर्जन आपको यूज़ करना है। यहाँ पर आप 6 मतलब ES16 ES17 उस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं राइट। और यहाँ पर सोर्स टाइप में मॉड्यूल देते हैं जो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं ऑलराइट। पर आप यहाँ देखेंगे कि इससे तो भी जब रन करने के बाद में आपको पता चल रहा है, क्यों ना हो कि हम एडिटर में हैं पता चल जाए कि किस तरह के एरर्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसके लिए हम लोग को VS कोड में यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर एक्सटेंशन सेक्शन में आके आप यहाँ पर सर्च करेंगे ESLint, आप देखिए आप यहाँ दिख जाएगा। इसको मैं सिंपली इंस्टॉल कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं कि आप वो यहाँ पर वर्क करना शुरू कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो मैं एरर्स यहाँ ही बता रहा है, एज इज़ डिक्लेयर पर वैल्यूज़ नेवर यूज। आप देख सकते हैं फू इज़ ऑल्सो डिक्लेयर पर वैल्यूज़ नेवर यूज। तो इस तरीके से आप जो यहाँ पर उसको एरर्स आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम फू को मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, ओके, एज को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और बस ऑलराइट। आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर से जैसे जैसे मैं वो एरर सॉल्व कर रहा हूँ वैसे वैसे वहाँ पर से गायब भी होता जा रहा है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम लोग को यहाँ पता चला कि इस फाइल में कोई भी एरर नहीं है बिकॉज हम लोगों को ESLint किसी भी तरह का एरर यहाँ पर नहीं बता रहा है। अगर मैं टेस्ट और JS में जाऊँगा उधर भी देख सकते हैं एरर नहीं बता रहा। आप मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लियर करके फिर से लिंट को रन करूँगा। आप यहाँ देख सकते हैं किसी भी तरह का एरर यहाँ पर नहीं है। तो अभी हम लोग यहाँ पर प्लगइन के बारे में बात करते हैं। कलेक्शन ऑफ रूल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो कॉन्फ़िग था, वैसे ही आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ कॉन्फ़िग को मैं प्लगइन के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो प्लगइन्स में काफ़ी सारे कॉन्फ़िग हो सकते हैं जो आप पर्टिकुलरली जो यूज़ करना चाहें उसे ऐड कर सकते हैं, और कॉन्फ़िग जो है इनहेरेंटली कलेक्शन ऑफ रूल्स। तो अभी इस तरीके से ESLint को यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों को रिएक्ट अगर यूज़ करना है तो यहाँ पर मैं ESLint प्लगइन रिएक्ट का इस्तेमाल करूँगा। राइट, सो यहाँ पर पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, और आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके लिए ऑलरेडी ESLint चाहिए रहेगा, और ESLint प्लगइन रिएक्ट हम लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और हम लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं प्लगइन रिएक्ट रिक्वेस्ट इस तरीके से उसको मेंशन करना पड़ेगा। और आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों को स्पेसिफाई करना है कि वो प्लगइन है,
और आप देखेंगे कि वो ऐड करने से पहले हमें प्लगइन में इस तरीके से रिजेक्ट लिखना होगा, और हमें पता ना होगा एक्सप्लिसिट पासवर्ड ऑप्शन में एक और वैल्यू हमें ऐड करनी पड़ेगी जहाँ पर हम लोग एक्मा स्विचर या JSX2 इस तरीके से देना होगा। और तो ये कर देते हैं, काफ़ी ईजी है। यहाँ पर सिंपली मैं यहाँ पर इंस्टॉल कर लेता हूँ, npm इंस्टॉल ESLint प्लग इन रिएक्ट, और इस तरीके से डी दे दें, या फिर आप डाजा सेव डेव दे सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर डी देता हूँ, कैपिटल डी। सो ये सेव सेव डेव का ही काम करेगा, आप दे सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है। अब सिंपली मुझे यहाँ पर प्लगइन्स करके मैं एक और करके यहाँ पर एक एरे बना देते हैं जिसमें मैं रिएक्ट इस तरीके से लिखता हूँ, और यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सी चीज़ें मुझे यहाँ पर यूज़ करने की है। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर एक और बना देता हूँ, प्लगइन इस तरीके से लिखूँगा, और उसके अंदर मुझे यहाँ पर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा मुझे यूज़ करना है, जो कि यहाँ पर नाम दिया हुआ था ऊपर। ओके, रिएक्ट रिकमेंडेड, तो यही मैं यहाँ पर सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हमारे पैकेज में यहाँ पर उसको डाल दूँ। और ओके, सो यहाँ पर अभी इतना इंस्टॉल हो चुका है। अभी सिंपली यहाँ पर मैं एक और फिर देना मुझे यहाँ पर, तो एक्मा यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एक्मा फीचर्स। ओके, और यहाँ पर JSX मैं यहाँ पर ट्रू दे देता हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर रिएक्ट में हम लोग JSX यूज़ करेंगे, तो मुझे यहाँ पर इसको ट्रू स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और राइट, बस इतना ही चीज़ हमें करनी थी। बस हमने यहाँ पर तीन चीज़ें की, हमने प्लगइन्स करके यहाँ पर ऐड किया रिएक्ट में, बिकॉज वही नाम दे दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे बिकॉज से प्लगइन ऐड करने से कुछ नहीं होगा, मुझे उसे उसके अंदर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देने होंगे, वो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया। बिकॉज ये प्लगइन से आ रही है इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लगइन कीवर्ड ऐड करके बोलना पड़ेगा कि हम लोगों को इस प्लगइन से ये कॉन्फ़िगरेशन लेना है। और यहाँ मैं एक्मा स्क्रिप्ट में एक्मा फीचर में यहाँ पर JSX ट्रू देना है, बिकॉज हम लोग यहाँ पर JSX यूज़ करेंगे बिकॉज रिएक्ट कॉम्पोनेंट यहाँ पर बना रहे हैं। सो इंडेक्स और JS में यहाँ पर मैं सिंपली एक डमी रिएक्ट कॉम्पोनेंट बना देता हूँ। आप यह देख सकते हैं यहाँ पर एरर बता रहा है, कह रहा है कि हेलो वर्ल्ड डिक्लेयर पर नेवर यूज, और यहाँ पर वो कह रहा है कि रिएक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पर सिंपली रिएक्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं, यहाँ पर npm इंस्टॉल रिएक्ट। ओके, और इंस्टॉल हो जाएगा जब तक हम लोग उसे सिंपली यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ पर वो एरर जो यहाँ पर से चले गए जो पहले हम लोग को दिख रहा था। और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड में आप यहाँ देख सकते हैं कि बस इसलिए बिकॉज से कहीं यूज़ नहीं हो रहा है। सो आप यहाँ देख सकते हैं, पर यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई इशू नहीं आ रहा है, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं JSX को यहाँ पर वो डिटेक्ट कर ले रहा है। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ESLint में आके यहाँ पर JSX को मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा और मैं सेव कर दूंगा, यहाँ पर आपके देखेंगे कि यहाँ पर वो कहेगा अनएक्सपेक्टेड टोकन, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ये सिंटेक्स क्या है उसको पता नहीं चल रहा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रू दे रहे हैं ताकि वो JSX को डिटेक्ट कर सके। और सो मैं आपको यहाँ पर लास्ट स्टेज बताना चाहता हूँ कि ESLint में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो हम लोग डायरेक्टली फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक रूल्स ऐड कर देता हूँ जो हम लोग ने पहले देखा था समय कॉलन के लिए। यहाँ पर सिंपली ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पर मैं समय में यहाँ पर एक एरे है, यहाँ पर उसको बोलेंगे एक एरर है, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे नेवर, हम लोगों को यूज़ नहीं करना है इसको, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर रूल्स में जो आप देंगे ये बेसिकली इस तरीके से ओवरराइड हो जाएगा, जो यहाँ पर कॉन्फ़िग में जो आप देते हैं अगर रूल्स उसको अगर उसे अलग है मतलब तो इसको ओवरराइड कर लेगा, तो ये इसका बहुत हाई प्रायोरिटी होता है जो आप रूल्स यहाँ पर देते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पर समय कॉलन ऐड कर देता हूँ, देखते जगह पर आप देख सकते हैं कि एरर यहाँ पर ESLint बता रहा है, विच इज़ फाइन। पर आप देख सकते हैं ESLint में अगर बहुत सारे ऐसे एरर्स रहें तो आप ईच इंडिविजुअल फाइल्स ओपन करके उसको फिक्स करने के बजाय अब यहाँ पर ESLint पैकेजेशन में यहाँ पर आप एक और फिक्स करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर मैं ESLint डॉट डैश फिक्स फ्लैग दे देता हूँ। सो यहाँ पर ये फ्लैग देने से क्या होगा, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो ESLint खुद ही सॉल्व कर सकता है, आपको बेसिकली यू नो खुद जाके हर फाइल में जाके उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर अपने उस कमांड को रन करता हूँ, npm रन फिक्स। आप यहाँ देख सकते हैं कि वो समय कॉलन इधर से गायब हो गया। तो इसे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे फीचर्स है ESLint में, इस तरह के काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और इस वीडियो पर से इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्रीटियर पैकेज के बारे में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से ऑटो फॉर्मेट आप यहाँ देख सकते हैं कि ESLint कर सकता है, पर
प्रिटी और मच बेटर तरीके से कर सकता है जहाँ पर ये सेंटो नहीं कर पाए। और हम लोगों नेक्स्ट वीडियो में देखें। बाय गाइस।